आप भी अब अपने गुलाब के प्लांट से काफी अच्छी संख्या के अंदर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस प्रकार से इसके अंदर बर्ड्स आ रहे हैं। आज हम आपको अपनी वीडियो के अंदर बताएंगे कि किस प्रकार से गुलाब के अंदर काफी अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग लेनी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो के अंदर। आप ये जो स्क्रीन पे खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं, ये हमारा गुलाब का प्लांट है और इस समय इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर जो है बर्ड्स आ रहे हैं और साथ के साथ इसके अंदर जो है फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो चुकी है। तो आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुलाब के प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग लेनी है और कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपके गुलाब के प्लांट के अंदर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए और जो इसके जो फ्लावरिंग के बर्ड्स आने शुरू हो जाएं। तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो गुलाब के प्लांट को लगाने के लिए आप या तो इसको कलम के थ्रू लगा सकते हैं या फिर इसको आप जो है नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो नर्सरी के अंदर काफ़ी वैरायटीज के आपको गुलाब मिल जाएंगे। तो जो गुलाब की कई वैरायटीज रहती हैं, जैसे कि आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारा जो इंग्लिश रोज का प्लांट है जो कि अभी इस वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमने काफ़ी सारे गुलाब के प्लांट लगाए हुए हैं। ये देखिए हमारे पास इंग्लिश रोज भी है, उसके अलावा हमारे पास जो कलम से हमने ग्रो करा था, आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, उसमें आपको मिलेगा कि कलम से किस प्रकार से गुलाब को उगाना है और कितने दिनों के अंदर जो गुलाब की कलम जो रेडी हो जाती है फ्लावरिंग करने के लिए। और ये हमारा जो एक देसी गुलाब है जो कि काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर इस वक्त फ्लावरिंग भी कर रहा है और इसके अंदर फ्लावर्स के बर्ड भी आ रहे हैं। देखिए आपको बहुत सारे बर्ड्स दिख रहे होंगे इसके अंदर जो कि फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हैं। एक ही टहनी के ऊपर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर ये देखिए किस प्रकार से इसके जो फ्लावरिंग के 5-6 5-6 7-8 के आसपास अप्रोक्स जो इसके बर्ड आ रहे हैं। तो गुलाब के प्लांट की अच्छी वैरायटी लेके आनी है, वैरायटी भी आपको बताते हैं कुछ एक वैरायटीज के बारे में भी वीडियो में आगे चलने से पहले कि कौन कौन सी वैरायटीज आती हैं गुलाब के अंदर। एक ये वैरायटी आती है जिसका नाम है टाइगर रोज, इसके ऊपर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग आती है और ये कैलकाटा की वैरायटी है। इस समय मार्च का आखिर चल रहा है, अप्रैल आने की तैयारी है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग आ रही है। इसके अलावा एक कश्मीरी रोज भी आता है, कश्मीरी रोज को भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं, मार्केट के अंदर इजिली अवेलेबल है। इसको लगाने के लिए बेसिकली गुलाब के प्लांट को लगाने के लिए आपको एक परफेक्ट जो गमले की रिक्वायरमेंट रहती है, देखिए जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये हमारा एक मिट्टी का पॉट है जिसके अंदर हमने अपने इस गुलाब के प्लांट को ग्रो करा हुआ है। ये हमारा जो पॉट है ये तकरीबन तकरीबन 12 इंच का पॉट है जिसमें हमने इसको ग्रो करा हुआ है। उसके अलावा हमारे कुछ एक गुलाब के प्लांट है जो हमने अपने छोटे मिट्टी के पॉट और सीमेंट के पॉट्स के अंदर ग्रो करे हुए हैं। ये सारे के सारे जो प्लांट है, कुछ एक हमारे तो काफ़ी पुराने प्लांट हैं लेकिन इसके अंदर जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, जो ये प्लांट है हमारा जिसके ऊपर आपको काफ़ी संख्या में बर्ड्स नज़र आ रहे होंगे और ये सीजन भी जो है गुलाब के प्लांट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय ना तो ज़्यादा गर्मी है ना ही ज़्यादा ठंडक है, ये समय बिल्कुल उपयुक्त है गुलाब के प्लांट के लिए। तो आपने एक वेल ड्रेन्ड गमला लेना है, उसके अंदर 50% है जो गार्डन सॉइल का इस्तेमाल करना है
और 50% ही इसके अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट को ऐड ऑन करना है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपने इसके अंदर जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है नीम की खली को मिक्स करना है अपने गुलाब के प्लांट के अंदर। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने अपने गुलाब के प्लांट को जो है ओपन जो है जहाँ पर धूप आती है उस जगह पर इसको रख देना है। उसके बाद आपका गुलाब का प्लांट है जो ग्रो हो जाएगा। और उसके कुछ समय के बाद इसके अंदर आपने फर्टिलाइजर्स जो हैं जितनी भी ऐड ऑन करनी है। फर्टिलाइजर्स जो आप इसके अंदर गुलाब का प्लांट है जो हैवी फीडर होता है और इसको समय समय पर फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपने अपने गुलाब के प्लांट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फ्लावरिंग लेने के लिए आज हम आपको अपनी इसी वीडियो में बताएंगे कि आपने कौन सी फर्टिलाइज़र का उपयोग करना है। तो आपने अपने गुलाब के प्लांट को जब भी फर्टिलाइज़र देना है, फर्टिलाइज़र देने से पहले अपने गुलाब के प्लांट की जो मिट्टी है उसकी आपने गुड़ाई करनी है 1 से 1.5 इंच। ये देखिए किस प्रकार से हमारे गुलाब के प्लांट के ऊपर सारे के सारे जो पेड़ के ऊपर पौधे के ऊपर इसके बहुत ही अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग हो रही है और कुछ एक जो इसके अंदर जो आप देख पा रहे होंगे बर्ड्स भी बने हुए हैं। तो आप इसके अंदर जो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, आप इस गुलाब के प्लांट के अंदर जो है बोन मील को ऐड ऑन कीजिएगा। बोन मील को ऐड करने से क्या रहता है, आपके गुलाब के प्लांट की जो है ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर होती है और इसको जो मिट्टी के अंदर जिन जिन चीज़ों की फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है वो भरपूर मात्रा में बोन मील से इसको इजीली मिल जाती है। ये समय फर्टिलाइज़र के रूप में जो बोन मील देने का बिल्कुल उपयुक्त है। और बोन मील आपको आपके घर के अगर आसपास नर्सरी है तो वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ये देखिए एक हमारी टहनी है जिसके ऊपर कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं और इसके अंदर फ्लावरिंग होने को भी रेडी है। उसके साथ ही एक और हमारी जो टहनी है जिसके ऊपर काफ़ी शानदार तरीके से फ्लावरिंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बर्ड्स भी आ रहे हैं। बोन मील जो आपको नर्सरी से इजीली 40 से 50 रुपए के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। और हमने इन सब प्लांट्स जो है आपको मैंने अभी जो रिसेंटली प्लांट्स दिखाए हैं ये सारे के सारे मैंने जो कटिंग के थ्रू ग्रो करे थे और बहुत खूबसूरत तरीके से ये अब ग्रो होने शुरू हो चुके हैं। वाटरिंग का ध्यान रखना है, वाटरिंग आपने जो है गर्मियों का समय शुरू हो चुका है तो वाटरिंग आपने इसके अंदर दोनों टाइम करनी है क्योंकि अब जो है गर्मियां बढ़ने की तैयारी है तो मिट्टी के अंदर नमी को बरकरार रखना है आपने। अगर कीट वगैरह की कोई फंगस वगैरह की कुछ प्रॉब्लम आती है आपको आपके प्लांट के अंदर तो आपने इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक चीज़ों का ही प्रयोग करना है। जैसे कि आप इसके अंदर जो है नीम के पानी को स्प्रे कर सकते हैं या उसके अलावा जो हल्दी को पानी के अंदर घोल के स्प्रे कर सकते हैं। नहीं तो एक और जो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर जो चला आ रहा है एक सबसे पुराना जो तरीका है, देखिए किस प्रकार से बर्ड जा रहे हैं। कई बार इसकी कलियां खिलने से पहले इसके ऊपर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है तो उसके लिए आप क्या करें कि घर के अंदर जो गोबर का उपला होता है उसको जलाने के बाद उसकी जो राख बनती है उसकी राख को भी आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से इसके ऊपर जो काले रंग के कीड़ों का अटैक होता है वो होना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर और खूबसूरत सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।